स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैरान हैबिटेट में एडेप्टेशंस या समुद्री जीव जंतु इनमें उपस्थित अनुकूलन के संदर्भ में आज हम डिस्कस करेंगे। मैरान हैबिटेट इंक्लूड डीप सी। मैरान हैबिटेट में मुख्य रूप से हम गहरे समुद्रों को लेते हैं। The deep sea is the lightless sea bottom extending from the lower limit of lateral zone to about a depth of 16,000 meter. Deep sea समुद्र के वो गहरे भाग हैं जहाँ पर लाइट नहीं होती और ये lateral zone के नीचे उपस्थित लगभग 16,000 की मीटर तक की गहराई में पाए जाने वाले भाग हैं। अर्थात lateral zone के नीचे 16,000 मीटर तक ये जोन पाए जाते हैं, या इस जोन को हम डीप सी के नाम से जानते हैं, या डीप सी के लिटरल जोन के नीचे का भाग ही मुख्य रूप से डीप सी के रूप में जाना जाता है। इट इंक्लूड बैथाइल एबेसल्स एंड हेडल जोन्स। ये बैथाइल तथा एबेसल्स तथा हेडल जोन के द्वारा बना होता है। डीप सी एटमोसफियर डज नॉट इंक्रीज द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। डीप सी यानी गहरे समुद्र का वातावरण जीवन के लिए ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, यानी जीवन कंटिन्यू वहाँ बना रहे उसके सपोर्टिंग के लिए नहीं होता। इसलिए इस आवास में रहने वाले जंतुओं के अंदर विभिन्न प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। इन अनुकूलन को आज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ लेते हैं हम साइज। जनरली डीप सी ऑर्गेनिजम्स आर लिटरली स्मॉलर देन देयर रिलेटिव ऑन द सरफेस। काइमेरा एंड शार्क फिशेस आर टू एक्सेप्शंस। सामान्यतः गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु अपने नज़दीकी जीव जंतुओं या उसी प्रकार की फॉर्म जो समुद्र के ऊपरी भागों में पाई जाती हैं उनसे कंपेरेटिवली छोटे होते हैं। इसमें काइमेरा तथा शार्क मछलियाँ मुख्य रूप से इनके अब्सेक्शन है या ये अपवाद हैं। इसके एग्जांपल के रूप में हम देखें तो मुख्य रूप से हमें दिखाई देते हैं पोटोस्टेमिया, गेस्टोस्टोमस, बेसोगीगस तथा टीलियोस्ट जो फिशेस होती हैं, ये सभी इसके एग्जांपल होते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि डीप सी में पाई जाने वाली मछलियाँ स्मॉलर साइज की होती हैं, यानी छोटे आकार की होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फॉर्म। द बॉडी ऑफ डीप सी एनिमल इज ऑब्जर्व टू बी डेलिकेटेड एंड सिलेंडर शेप, यानी इनका जो शरीर होता है वो सिलेंडर शेप में होता है, डेलिकेट प्रकार का होता है या नाजुक प्रकार का होता है, यानी अधिक एडवर्स कंडीशन में ये अपने आप को नहीं मेंटेन कर पाता। या ये कह सकते हैं कि क्योंकि डीप सी के अंदर जनसंख्या अन्य जातियों की कम होती है इसलिए वहाँ स्ट्रगल कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इनका जो शरीर है डेलिकेट प्रकार का है या सिलेंडर शेप पाया जाता है। द लॉन्ग लेग्स क्रैब्स इसके एग्जांपल हैं। डेलिकेटेड लॉन्ग स्टॉल क्रेनोइड्स तथा फ्रजाइल सिलिशियस ग्लास स्पंज इसके मोस्टली एग्जांपल देखे जा सकते हैं। कुछ जो मछलियाँ डीप सी में पाई जाती हैं वो लेटरली फ्लेटेड होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि इनमें फ्रजाइल सिलिशियस प्रकार के ग्लासेज स्पंज मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और ये जो फॉर्म होती हैं ये डेलिकेट प्रकार की होती हैं या ज़्यादा अधिक स्ट्रगल ये नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्केल्टन। स्केल्टन ऑफ डीप सी आर सॉफ्ट एंड नॉन कैलकेरियस, यानी कैल्शियम के नहीं बने होते हैं, अधिक सॉफ्ट होते हैं। बिकॉज दे कैन नॉट सिंथेसाइज कैल्शियम्स एट लो टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है इसलिए कैल्शियम का यहाँ सिंथेसिस नहीं होता। सो दैट कैलकेरियस स्पंज आर कम्प्लीटली एब्सेंट फ्रॉम डीप सी।
इसलिए कैलकेरियस स्पंज होते हैं वो डीप सी के अंदर मुख्य रूप से नहीं पाए जाते। द प्रोटोजोआ एंड कोरल्स हैव एक्सो स्केल्टन ऑफ सिलिका। जो प्रोटोजोआ तथा कोरल्स इसमें पाए जाते हैं, इसका जो एक्सो स्केल्टन होता है वो सिलिका के द्वारा बना होता है। डीप सी मोलस्कंस आल्सो हैव फ्रेजाइल सेल्स, एंड इसके अंदर जो मोलस्कंस आवासित रहते हैं उनका जो शैल है वो फ्रेजाइल प्रकार का होता है, यानी अधिक ज़्यादा डेंस ना होकर के अधिक स्ट्रगल को ये सहन नहीं कर पाता, यानी फ्रजाइल प्रकार का यानी भंगुर प्रकार का होता है। फिशेज ऑफ डीप सी लाइक काइमेरा हैव टोटली अनकैल्शिफाइड एंडो स्केल्टन्स, यानी डीप सी में पाए जाने वाले काइमेरा मछली को हम देखें तो इसका जो एंडो स्केल्टन होता है वो मुख्य रूप से अनकैल्शिफाइड होता है, यानी कैल्शियम इनके स्केल्टन के अंदर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कलर। मोस्ट ऑफ डीप सी एक्सिबिट यूनिफॉर्म कलर पैटर्न ड्यू टू लैक ऑफ लाइट, क्योंकि समुद्र के अंदर लाइट नहीं पाई जाती इसलिए सभी डीप सी में रहने वाली फॉर्म के अंदर एक समान कलर हमें देखने को मिलता है। दे मे बी रेड ब्राउन ब्लैक वायलेट एंड ब्लू इन कलर। ये मुख्य रूप से रेड ब्राउन ब्लैक वायलेट तथा ब्लू कलर के होते हैं, बट मोस्ट ऑफ रेड इन कलर प्रीडोमिनेट, मगर मुख्य रूप से रेड कलर वहाँ पर हमें देखने को दिखाई देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लेते हैं इनका फूड एंड फीडिंग के संदर्भ में। चूँकि समुद्र के अंदर वेजिटेशन नहीं पाया जाता है क्योंकि लाइट प्रॉपर वहाँ नहीं पहुँचती है, इसके कारण फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म वहाँ नहीं होगी, इसलिए वेजिटेशन टोटली वहाँ एब्सेंट होता है। तो मोस्टली जो एनिमल्स इसमें पाए जाते हैं वो प्रीडेटर्स के ऊपर के रूप में ये रहते हैं, अर्थात ये लगभग प्रीडेटर्स होते हैं, एक दूसरे का भक्षण करते हैं। विच आर पोसेस पावरफुल जॉ, इनके जो जबड़े होते हैं वो पावरफुल होते हैं, साथ साथ इसमें जो स्ट्रोंग शार्प टीथ पाए जाते हैं, जो टीथ होते हैं बहुत ही गहरे शार्प प्रकार के होते हैं या धारदार प्रकार के होते हैं, मजबूत होते हैं। क्योंकि ये सभी प्रीडेटर प्रकार के हैं या भक्षक प्रकार की प्रजाति इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है। द फूड फॉल फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड द बॉटम इज ऑल्सो यूज एज ए फूड। समुद्र के ऊपरी भागों से जो खाद्य पदार्थ आफ्टर डेथ समुद्र के गहरे भाग की तरफ जब गिरता है तो उसको भी जो पैंदे में या डीप सी में पाए जाने वाली प्रजातियों के द्वारा एज ए फूड मटेरियल इनको उपयोग में लिया जाता है। द वेजिटेरियन एनिमल्स ऑफ डीप सी हैव इलोंगेटेड एलिमेंट्री कैनाल एंड इलोंगेटेड एक्सकेटरी ट्यूब्स, यानी डीप सी में जो एनिमल्स पाए जाते हैं इनकी एलिमेंट्री कैनाल अधिक लंबी होती है तथा इसमें एक्सकेटरी ट्यूब है वो भी अधिक इलोंगेटेड होती है, यानी अधिक लंबी होती है, जिससे जो एक्सक्रीट किया जाता है या बाहर निकाला जाता है वो फीडिंग एरिया से दूर निकाल दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे होता क्या है कि जो फीडिंग एरिया है वो एक्सक्रीटिव पदार्थों से बचा रहता है या एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट वहाँ पर डिपोजिटेड नहीं होते हैं। तो इससे एनिमल्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्लीन रहता है, या एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र मुख्य रूप से सही बना रहता है। नेक्स्ट करेक्टर हम लेते हैं इसका जो एडेप्टेशन के रूप में हम देखते हैं बायोल्यूमिनेसेंस प्रतिदीप्तिकरण, यानी इन जंतुओं के द्वारा बायोल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस किया जाता है या प्रतिदीप्ति प्रोड्यूस की जाती है या लाइट इनके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। द फेनोमेनन ऑफ लाइट प्रोड्यूसिंग बाई डीप सी एनिमल इन डीप सी इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस, यानी ऐसी परिघटना जिसमें डीप सी में रहने वाले जंतुओं के द्वारा लाइट का प्रोडक्शन किया जाता है या लाइट प्रोड्यूस की जाती है, इसको हम बायोल्यूमिनेसेंस के नाम से जानते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन अमंग फिशेज क्रस्टेशियंस सेफलोपोड्स मैनी सिलेंटेड्स सम स्टार फिशेज एंड फ्यू एनिमल्स फ्यू एनिलिड्स। ये मुख्य रूप से हमें दिखाई देती हैं फिशेज में, क्रस्टेशियंस में, सेफलोपोड्स में, सिलेंटेड्स में, स्टार फिशेज में दिखाई देगा और साथ साथ हमें एनिलेट्स में ये दिखाई देते हैं, या बायोल्यूमिनेसेंस की प्रक्रिया को हम इनमें देख सकते हैं।
द फिनोमेनन ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस इज प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द रिकॉग्निशन ऑफ सेक्स एंड अट्रैक्शन ऑफ प्रे। बायोल्यूमिनेसेंस की जो घटना होती है या प्रे घटना जंतु में पाई जाती है या इनके द्वारा जब लाइट प्रोड्यूस की जाती है तो ये मुख्य रूप से सेक्स को रिकॉग्निशन करने में या अपने जाति के दूसरे सेक्स को पहचानने में ये सहायक होता है, साथ साथ प्रे होते हैं उनको भी अट्रैक्ट करते हैं, यानी प्रेडेटर मुख्य रूप से होते हैं तो ये शिकार के रूप में जिन पदार्थों को जीव जीव जंतु को खाते हैं उनको हम प्रे के नाम से जानते हैं, उनको भी अट्रैक्ट करने का कार्य करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रे इस लाइट के द्वारा या बायोल्यूमिनेसेंस के द्वारा प्रेडेटर के समीप आते हैं और प्रेडेटर इनका भक्षण कर लेते हैं। तो बायोल्यूमिनेसेंस एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इनके जीवन के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं आइज। द डीप सी हैबिटेट एनिमल्स हैव लार्ज साइज आई, फॉर एग्जाम्पल फिशेज लाइक बर्मा लैंगिपेनिस एंड रेगेलिकस। ये दोनों प्रकार के फिशेज हैं या ऐसी मछलियाँ हैं इनके अंदर लार्ज साइज की आँखें पाई जाती हैं। द डीप सी फिशेज आल्सो हैव मोर रोड वाइल कॉन आर आइदर रिड्यूज और अपसेंट। डीप सी में पाई जाने वाली मछलियों की आँखों की संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि इनमें रोड्स कोशिकाओं की संख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है जबकि कॉन कोशिका इनमें बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि रोड्स प्रकाश तथा अंधेरे का अध्ययन करने वाली कोशिकाएँ होती हैं, इसी प्रकार से कॉन्स रंग को पहचानने वाली कोशिकाएँ होती हैं। समुद्र के गहरे भागों के अंदर लाइट नहीं पाई जाती, इसलिए रोड्स कोशिकाएँ इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। बट इन सम फिशेज द आई आर कम्प्लीटली एबसेंट, मगर कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जैसे पैक्टिन्स तथा इलीमा, इन में आई कम्प्लीटली एबसेंट होती हैं या नहीं पाई जाती हैं। इन सम क्रैब्स रिडक्शंस ऑफ आई टेक प्लेस विद इंक्रीज इन डेप्थ। कुछ क्रैब्स होते हैं उसके अंदर हम आई के रिडक्शन को देख सकते हैं या उनकी साइज है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, इस प्रकार का भी हमें क्रैब्स के अंदर दिखाई देता है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है तो आई का रिडक्शन होने लग जाता है, यानी आई की जो साइज है वो छोटी होने लग जाती है या रूडिमेंट्री टाइप की जो आई हैं वो हमें जंतुओं के अंदर दिखाई देती हैं। तो इसमें दोनों प्रकार के हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, लार्ज आई का, लार्ज आई, और इसी प्रकार से हैं स्मॉल आई भी हमें इनमें दिखाई देती हैं या रूडिमेंट्री आई भी दिखाई देती हैं जैसे जैसे हम गहराई तक जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। द डीप सी क्रस्टेशियंस द लॉस ऑफ साइट इज कंपनसेटेड बाई डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग फिलर एंड एंटीना। सेंसरी ऑर्गन के रूप में इसमें लॉन्ग फिलर्स तथा एंटीना पाए जाते हैं क्योंकि देखने के लिए इनमें आँखें नहीं पाई जाती या रूडिमेंट्री प्रकार की पाई जाती हैं, इसलिए लॉन्ग फिलर तथा एंटीना को एज ए सेंसरी ऑर्गन उपयोग में लेते हैं। इन सम केसेस दीज आर इवन 8 to 20 times लॉन्ग देन बॉडी ऑफ सेम ऑर्गेनिजम्स। इन कुछ केसेस में हम देखें तो जो फिलर्स तथा एंटीना पाए जाते हैं इनका जो आकार है वो जंतु की सामान्य बॉडी से लगभग 8 से 20 गुना अधिक बड़ा होता है। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं अरिस्टे, इसके अंदर ऐसे बड़े एग्जाम्पल पाए जाते हैं। इन डीप सी फिशेज फिन रे आर कंसिडरेबली एलोंगेटेड। इसी प्रकार से डीप सी में पाए जाने वाली जो फिशेज होती हैं इसके अंदर फिन रेज जो पाए जाती हैं ये भी अधिक बड़ी होती हैं। नेक्स्ट एडेप्टेशन को हम देखते हैं लो मेटाबॉलिटिक रेट, क्योंकि समुद्र के अंदर टेम्परेचर कम होता है इसलिए इन जंतुओं का मेटाबॉलिटिक रेट है वो सामान्यतः कम पाया जाता है। द डीप सी एनिमल्स यूजुअली हैव वेरी लो मेटाबॉलिटिक रेट ड्यू टू द लो टेम्परेचर। नेक्स्ट हम देखते हैं म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड्स, यानी म्यूकस को सिक्रेट करने वाली कोशिकाएँ। इन जंतुओं के अंदर म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स पाई जाती हैं या इनकी संख्या अधिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट अडेप्टेशन हम लेते हैं लार्जली
यो की एक्स, यानी इन जंतुओं के द्वारा जो एक्स दिए जाते हैं वो अधिक लार्ज होते हैं, अर्थात इनके अंदर योग की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। द डीप सी फिशेज यूजली ले ए फ्यू लार्जली योक एग्स विच हैच आउट इन एन एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी इन मछलियों के द्वारा जो एग्स दिए जाते हैं उनमें योक की मात्रा बहुत अधिक होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि डीप सी के अंदर जो फिशेज पाई जाती हैं उनके अंडों के अंदर योक की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे इनके द्वारा जो न्यूवन हैचेज किए जाते हैं या जन्म दिए जाते हैं वो अधिक डेवलप्ड होते हैं या उनका डेवलपमेंट अधिक होता है। कुछ केसेस में हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ जंतु विविपेरस प्रकार के भी होते हैं या कुछ ऐसे हैं जो न्यू वंस को भी जन्म देते हैं। थैंक्स।